आठ नवंबर है, 3 साल पहले आज ही के दिन 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया था। रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। नोटबंदी की ये घोषणा उसी दिन आधी रात से लागू हो गई थी। इससे कुछ दिन देश में अफरा तफरी का माहौल रहा और बैंकों के बाहर लंबी कतारें लगी रही। बाद में 500 और 2000 के नए नोट जारी किए गए। सरकार ने ऐलान किया कि उसने देश में मौजूदा काले धन और नकली मुद्रा की समस्या को समाप्त करने के लिए कदम उठाया है, लेकिन इस नोटबंदी ने देश की गरीब जनता को सड़क पर ला दिया। तो बता दें कि सरकार भले ही दावा करे कि नोटबंदी का कदम सही था, लेकिन इसकी सफलता को लेकर कोई पुख्ता आंकड़े पेश करने में सरकार नाकाम रही है। तो आज ही के दिन 3 साल पहले नोटबंदी हुई थी। सरकार तमाम दावे करती है कि नोटबंदी असरदार रही है, लेकिन दावे पेश नहीं कर पाई है। जिस तरीके से GDP ग्रोथ रेट हमने देखी थी, बिल्कुल इस बार नीचे पहुंच गई थी। तो नोटबंदी को लोगों ने जिम्मेदार ठहराया था। जिस तरीके से मोदी सरकार ने अचानक आज ही के दिन 3 साल पहले 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे और जो आज रात से ही लागू कर दिए गए थे,